अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतला की तारीख यानी क्या या इतला की तारीख से क्या मुराद है। अजीज तलबा, अगर हम इतला की तारीख के लफ्जी मानी देखें तो इतला यानी इस्तेमाल, तो अजीज तलबा का सीधे सीधे लफ्जी मानी होता है तारीख का इस्तेमाल। जमाने माजी के तारीखी वाक्यात का इस्तेमाल करके मौजूदा दौर और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए किया जाने वाला अमल इतला की तारीख कहलाता है। मौजूदा दौर के मसाइल हल करने के लिए या समाजी बेहतरी के फैसले लेने में माजी के वाकयात का इल्म बहुत कारामद साबित होता है, इसीलिए माजी के इल्म का होना बहुत जरूरी है। इसको हम या इतला की तारीख को हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंग अजीम दुम में अमरीका ने जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। इन न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से इन दोनों शहरों का जापान की सरजमीन से नामो निशान मिट गया था और इन बॉम्ब के असरात काफी वक्त तक उन शहरों में लोगों को देखने को मिले। इन सारे हालात और तजुर्बात को देखकर आज के वक्त में कोई भी मुल्क अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। दोनों आलमी जंगों के खतरनाक नतीजे और अंजाम को देखकर दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो चाहता है कि जंग अजीम सुबह की शुरुआत हो। आप में से बहुत सारे तलबा को ऐसा लगता होगा कि अब तारीख को क्यों पढ़ना जबकि वो माजी में हो चुका है, या फिर ऐसा भी सोचते होंगे कि तारीख सिर्फ तारीख पढ़ने वाले तलबा के लिए है या तारीख दाव के लिए है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है या हमें से क्या फायदा होगा, या हम सोचते हैं कि हमें आज के दौर में इसका क्या काम है। तो इस तलबा इन तमाम ही गलत फहमियों को दूर करने के लिए एक शोभा शुरू किया गया जिसका नाम इतला की तारीख या अवामी तारीख रखा गया है।